السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. हम यहाँ पर ये खामोश रैली जो आज हमने निकाली है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि तुम में से बेहतरीन लोग, बेहतरीन उम्मत वो है जो निकले लोगों के लिए और लोगों के दरमियान अच्छाइयों को कायम करे, उनको अच्छाइयों का हुक्म दे और मुनकरात, फहशात और बुराइयों से उनको रोके। लिहाजा आज किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत नहीं, किसी भी मकतब के तहत नहीं, हम सब अपने अपने मर्जी से आए हैं। एज मुसलमान हमारा हक ये बनता है अपना हक ढूंढने के लिए। और ये प्रोटेस्ट जो हम कर रहे हैं, ये खामोश रैली जो हमने निकाली है, ये हम इसलिए यहाँ पर आए हैं, जो संतूर होटल में फैशन शो हुआ था, अगरचे उसमें वो कहा जा रहा था ये तो फकत कपड़ों से रिलेटेड है, लेकिन ये हमारी नजरों में उरियानगी का पहला कदम है, पहला बाब है। कश्मीर में जिसमें मेजॉरिटी में मुसलमान हैं, कुरान के मानने वाले हैं, लिहाजा हमें नाअमनी महसूस हो रही है, खुद अपने लिए भी और अपनी आइंदा नस्लों के लिए भी। और जैसा कि स्पेन में भी ऐसा ही किया गया कि स्पेन में मुसलमान बहुत थे, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा मंशियात वारिद करके उरियान लड़कियों को वहां पर भेजा जाता था, जिसकी वजह से आखिर में मुसलमानों को बेतहाशा कत्ल गारत उनका किया गया। यहाँ पर हम इसीलिए आए हैं क्योंकि ताकि हम अपना हक मांग सकें और इस फैशन शो के खिलाफ हम अपनी आवाज उठा सकें, क्योंकि आज तो कपड़ों से रिलेटेड है, कल को हमारी लड़कियों में तनफरोशी में भी मुब्तला किया जा सकता है, कल को ये और खतरनाक मरहला बन सकता है। अगर हम आज इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएंगे, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो कल को हम तबाही के और बदतर दलदल में फंस सकते हैं।